हेलो फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैसी बुसरा गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये देखिए मेरी विंडो कुछ ऐसी लगती है ये दिन में भी। अभी मैंने यहाँ पे प्लांट्स सेट किए हुए हैं नए पुराने सारे, ये देखिए। आज की मेरी वीडियो है मेरी फिर से शॉपिंग जो की है उस पर, ये लुक आपसे मैं शेयर करना चाहती थी तो बस किया है। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेटूनिया के फ्लावर कितने प्यारे खिले हुए हैं। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैं ये कलर भी लाई हूँ, और ये रेड कलर का ये देख कर लाई थी, आज सुबह ही ये खिला हुआ है। और ये मैं ये कोसमोस के दो लाई हूँ, ये ऑरेंज कोसमोस के दो प्लांट है देखिए। और ये मिनी सेवंती देखिए, ये येलो कलर में है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये कलर में है। और आपसे एक और चीज़ शेयर कर रहे हैं, ये चिली का प्लांट ले आई हूँ, वहाँ पे बहुत सारी पनीरी थी ब्रिंजल की और टमाटर की और चिली की। चिली में मुझे कुछ प्लांट वीक लग रहे थे और कुछ सही लग रहे थे, उसमें से मैंने ये एक पसंद करके लिया है। देखिए इस पर बर्ड्स आ चुकी है और एक छोटी सी मिर्च भी लगी हुई है, कहीं बताती हूँ, नहीं वो इसमें नहीं लगी हुई है, बस बर्ड्स ही बनी हुई है। ये देखिए बर्ड्स दिखा रही हूँ। और मुझे एक वेराइटी मिल गई जिसे इंग्लिश सी भी बोलते हैं, वो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इंग्लिश ईवी का प्लांट, देखिए आज से कल में लाने ले जाने में इसका एक पत्ता निकल गया है, और इसकी ग्रोथ बताने की कोशिश करूँगी नीचे से। ये देखिए निकल रही है, ये वाइन होती है इंग्लिश ईवी की, जो गर्मी में अपने यहाँ ख़राब हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, इसकी मुझे केयर करनी पड़ेगी नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये मुझे 100 रुपये में मिली है फ्रेंड, ये देखिए हैदराबादी कोई इंसान की वो नर्सरी थी उसमें ये वैरायटी मुझे मिल आई है। ये देखिए इसके लीव्स एकदम झाड़े होते हैं, एकदम मोटे मोटे लीव्स होते हैं, ये देखिए इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता। और ये इंडोर प्लांट है, थोड़ी धूप छाए में रह सकते हैं पर कम्प्लीट सनलाइट में नहीं रह सकता है फ्रेंड। तो अगर आप ईवी का प्लांट खरीदते हैं या होया वाइन खरीदते हैं, होया वाइन मुझे नहीं मिल पाई, 700 रुपये की थी तो मैंने नहीं ली है, बहुत कम थी और 700 रुपये से कम प्राइस नहीं थी तो मैं नहीं ले पाई। और ये मुझे 100 रुपये में मिल गई उसे ये गमले के साथ, तो मैंने ले ली है। ये देखिए 100 रुपये ईवी वेल लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं लाई हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये देखिए ये वाला प्लांट, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको बराबर से, इसका नाम है गमफेर नाम। इसमें बहुत कलर आते हैं, वहाँ पे 3 से 4 कलर थे और इतना फ्रेश मुझे कोई दूसरा प्लांट लगा नहीं, सब थोड़े बड़े भी थे और उनके फूल खिल चुके थे। और इसमें ये रेड कलर का मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें फूल पूरा बाहर नहीं आया हुआ है, तो मैंने सोचा यही ले लूँ, परफेक्ट है। और मुझे ये काफ़ी परफेक्ट भी लगा, ना बड़ा ना छोटा प्लांट और ना ही फूल खिला हुआ, एकदम परफेक्ट लगा मुझे, तो मैंने ले लिया है। ये ऐसे तो यहाँ पे नर्सरी में होता है कभी कभी, ये भी 700 रुपीज़ का या 800 रुपीज़ का मिल जाता है, पर या ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में पड़ा है, तो ये मुझे थोड़ा चीप लगा प्राइस इसका, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया है। और ये ईवी का प्लांट, ये दोनों वेराइटी मेरी विश लिस्ट में थी और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था वो शॉपिंग वीडियो में, उसमें भी कुछ प्लांट ऐसे थे जो मेरी विश लिस्ट में थे वो मुझे मिल गए थे, तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। ये देखिए फ्रेंड सालविया, इसको लाने लाने में ये भी टूट गया है, एक ब्रांच इसकी टूट के निकल गई है, ये देखिए ये ब्रांच टूट गई है और निकल गई है। और ये पेटूनिया का कलर है, ये पिंक शेड में
और ये पर्पल लाइट पर्पल सेट जो बोलते हैं उसमें है, ये लाइट पर्पल सेट का ये मैं देख के लाई थी, और ये बंद हो चुका है और आज खिला नहीं है। और ये डार्क पर्पल सेट के दो फ्लावर देखिए आप, ये कितने खूबसूरत लग रहे थे, मैंने ले लिए हैं ये कलर चुन चुन के अंदर से। और ये देखिए ये कितना प्यारा कलर है। और ये एक और लाइट पिंक कलर के शेड में था ये प्लांट, तो ये भी मैंने लिया था। ये देखिए ये शेड में लाइट पिंक, और ये डबल कलर वाले पेटूनिया, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर हैं ये। ये भी लाइट पर्पल कलर का एक फ्लावर बंद है अभी। और अब से मैं शेयर करूँगी ये वाला पेटूनिया, ये भी लाइट पिंक शेड में है। सब अलग अलग शेड में है पेटूनिया। ये एक प्लांट पनीरी वाला मुझे 15 रुपये का पड़ा है, 15 रुपीज़ का पड़ा है। और ये 13 रुपीज़ के दो सेवंती के पड़े हैं, और कॉसमोस का भी 13 रुपीज़ का है। और ये साल्विया और डेंथस कार्नेशन ये सारे प्लांट 15 रुपीज़ के पड़े हैं मुझे, एक प्लांट पर पीस 15 रुपीज़ का था। और ये रोज़ प्लांट मुझे 100 रुपीज़ का मिला है, ये देखिए ये 100 रुपीज़ का अंदर मुझे पड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका कलर इसी बर्ड्स मुझे देख के पता चला इसका कलर क्या होगा। ये कल ये दोनों बंद थी बर्ड्स जो अभी थोड़ी कलर वाली दिख रही हैं, तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आया तो मैंने एक रोज़ प्लांट भी ले लिया था। और ये देखिए ये कलर पर्पल कलर का ये निकलेगा अंदर से, ये देखिए ये कलर ये जो उसकी बर्ड्स दिख रही है ऐसे ये फ्लावर निकलेंगे। और एक ये कलर, मेरे पास 3 प्लांट ऑलरेडी थे उसमें से ख़राब हो गया था तो मैंने ये 2 प्लांट लिए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए इसमें चीली बनी हुई है, चीली इसमें बनी हुई है, ये देखिए ये दूसरा प्लांट है मेरा चीली का। बस मैं ये शॉपिंग करके लाई थी कल, बस आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी जो मैंने अभी की करने की कोशिश की है। और मैं कटिंग लाई हूँ फ्रेंड्स बता, ये देखिए फ्रेंड ये मुझे एक 15 रुपीज़ का कटिंग पड़ा है। ये जो डिस्क के अंदर भरा होता है ना वो कटिंग, ये मनी प्लांट है, ये डिफरेंट मनी प्लांट है। आप इसके लीव्स देखिए एकदम मोटे लीव्स वाला ये मनी प्लांट होता है। मेरे पास ये था ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया था, ये देखिए तो मैं ये ले आई हूँ दोबारा से कटिंग ग्रो करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए एकदम फ्रेश देख के लाई हूँ। और इसका तो ऑलरेडी ये वाला मनी प्लांट मेरे पास है ऊपर, इसके लीव्स एकदम बड़े बड़े हो गए हैं, टेरेस पे मेरे पड़ा है, पर फिर भी मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया। इस ये एक प्लांट से दो दो प्लांट बन जाएंगे आगे जाके, ये देखिए दो डिफरेंट हैं। ये कलर का ये मनी प्लांट की कटिंग लाई हूँ। और दो डहेलिया, ये देखिए डहेलिया के बल्ब, ये डहेलिया के बल्ब लेके आई हूँ। ये एक 15 रुपीज़ का बल्ब था, अंदर 2-3 भी थे पर मैं एक ही बल्ब लेके आई हूँ। इसकी वजह ये है कि एक बल्ब बड़ा देख के लेके आई हूँ ताकि ग्रो हो सके। तो ये देखिए मैं ये साइज का एक बल्ब लाई हूँ डहेलिया का, और दूसरा दूसरा डहेलिया का देखिए वो भी थोड़ा बड़ा ही देख के लाई हूँ, भले एक वो अंदर पैकेट में 2-3 भी थे पर मैंने नहीं लिया, मैंने एक देख के बड़ा देख के एक ही बल्ब पसंद किया हुआ। और ये देखिए ये कभी भी मेरी ऊपर टेरेस गार्डन में ये प्लांट आया नहीं, ये बल्ब आया नहीं कुछ माह, तो मुझे इसको ग्रो करके देखना है कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं और कब ये होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन जब मैं ये ग्रो करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। ये इसका भी बल्ब देखिए फ्रेंड, इसकी रूट बाउंड के साथ है, ये देखिए रूट्स के साथ है। और ये भी मैंने बड़ा देख के लिया है ताकि मेरा ये ख़राब ना निकले और अच्छा निकले और फ्लावर पे आ सके। आप भी बल्ब जब भी लें बड़े देख के लें, छोटे बल्ब फ्लावर पे नहीं आ पाते हैं। ये देखिए ये सीड लिए हैं मैंने,
लेक्टस के, लेक्टस लुलु रूसा, ये देखिए ये कलर की लेक्टस है। और मैंने ये लिए हैं बोटल गार्ड, ये देखिए ये सीड लिया है। और मैंने टर्निप के सीड लिए हाइब्रिड वाले। और मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड लिए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट वहाँ पे 300 रुपीज़ के थे, पर वो उसके ऊपर फ्लावर भी ऑन थे, पर प्लांट की हालत सही नहीं थी तो मैं नहीं लेके आई। फ्रेंड मैंने ये कुछ शॉपिंग कल ही की है, बस आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बस आप कमेंट करके बताइएगा शॉपिंग मैंने सही तो की है या और कुछ खरीद लें जैसा था या मैंने नहीं लिया, या इसमें से कोई चीज़ आपको ऐसी लगी हो जो पसंद नहीं हो, या आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगी। और मेरी विंडो जो आपको मैंने शेयर की है उसकी वीडियो भी आ रही है, आप उससे भी देखना और कमेंट उसमें भी करना, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।